वो जो ठेले लगे होते हैं ना इंडिया में, बिल्कुल वैसे। एंड द बेस्ट पार्ट कि गोलगप्पे के साथ वो फोकट में लास्ट में थोड़ा पानी भी मिला। ये पार्टी में शेंकी को देना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि खट्टा मीठा हींग मैंगो जिंजर गार्लिक। मेरी जो असली माँ है वो नेपाल से थी। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शेंकी, शेंक द चैंप, बिल्कुल। और आप बुला सकते हैं मेरे को चाहें तो। और आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? नहीं। आज हम शेंकी को फूड हॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं। ओह व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। शेंकी ने आज आज पूरा दिन खाना नहीं खाया था, क्योंकि आज हम जा रहे हैं फूड हॉपिंग के लिए इंडियन स्ट्रीट। सियाटल में बाय द वे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, तो हमें लगा कुछ स्पेशल करते हैं यहाँ पे। और आई एम होपफुल ऑल्सो कि आप जब ये देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। कंटेंट की कमी ना हो तो वी ऑल्सो है प्रशांत हु इज बैक। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द फूड प्रशांत? वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। और क्या करना है हमें? थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। और शैंकी को थोड़ा दिखाएंगे हम की जर्सी कितनी हैप जगह है सियाटल में। बराबर खाना नहीं मिलता, खाना कितना हैप है बेसिकली। हाँ, तो यहाँ पे काफी सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। एंड शैंकी इज फिनिशिंग हिज वर्क एंड देन वी गोना लीव इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में चलेंगे हम। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, बारिश हो रही है यार, बहुत तगड़ी वाली, मतलब तगड़ी वाली नहीं, ठीक ठीक वाली, बट वील बी फाइन। और यहाँ के हिसाब से थोड़ी तगड़ी है। और शेंगी आप रुको, मैं अभी वो डांस करके आऊंगा, पहले इधर चला उधर चला बारिश में। शेंगी को मुझे लगता है जब मैं व्लॉग करती हूँ शेंगी का अलग स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा होता है। बट हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने बाहर कहाँ सबसे अच्छा खाना खाया है? आपने बड़ी चलाकी से सवाल पूछा है, बाहर पूछ लिया आपने। पिछले गड्ढे में आपने पूछा था सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया है, मैं बता दूँ पिछले गड्ढे में मैंने बोला था मेरे हाथ का खाना सबसे बढ़िया होता है जो हमने कभी नहीं खाया। हाँ। वो स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टाइम बनता होगा हम तो। हाँ। और इन्होंने बड़ी चलाकी से सेकंड गड्ढे में बाहर पूछ लिया, तो बाहर मैंने लंदन में खाया सबसे बढ़िया खाना, मतलब इंडिया के बाहर। और इंडिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी जगह खाना खाया आपने? इंडिया में मैंने बेस्ट जगह नेपाल में खाया। मुझे लगा बोलोगे माँ के हाथ का खाना था ताकि थोड़े ना ब्राउनी पॉइंट्स बने। नहीं नहीं, नेपाल इंडिया में नहीं आता भाई। तो मेरी जो असली माँ है वो नेपाल से थी। और मैं बॉर्डर पे छूट गया था। और फिर मेरे को इन घर वालों ने डाउट कर लिया, जो आप देखते हो इन घर वालों में। हाँ। तो शायद तो जो खोते हैं पता नहीं, छोटे भाई बहन कचरे में मिलते हैं, तो ठीक है। Entered the Indian Square in Jersey City, and it is famous for Indian food, Indian culture. और भी बहुत सारी चीजें। तो ये दो lanes हैं जो of course मैंने आपको बहुत बार दिखा रखी। तो आज हम घूमेंगे नहीं, आज हम थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा खा लेंगे। और हम लोग पहुँच गए हैं, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं वतन। वहाँ पे कितने टाइप के गोलगप्पे वाला पानी है? अच्छा टाइप का है। तो इंडिया के बाहर ऐसा पहली बार हो रहा है जो जब हम लोग कुछ ऐसा स्पेशल खा रहे हैं। और हमने बहुत सुना है उसके बारे में, आसपास से बहुत कभी गए। अरे आज आप खाओगे आप फैन हो जाओगे। तो 6 तरीके का पानी एट वन स्टोर और इतने सारे गोलगप्पे, और बिल्कुल वो इंडियन जैसे लोग खिलाते हैं ना, मतलब चाट का स्टॉल लगता है वैसा है। तो जाके ट्राई करते हैं। और ये है वो जगह जिसके लिए हम आए हैं, यह भी हम जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे वतन हॉट ब्रेड्स और इसके अंदर कुछ बहुत फेमस मिलता है, तो वो ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे पानी पूरी, पाव भाजी, फ्रैंकी सेंटर, तो यहाँ पे पूरा स्टॉल है, वो जो ठेले लगे होते हैं ना इंडिया में, बिल्कुल वैसे। और ऑफकोर्स यहाँ पे पानी पूरी का लाइव काउंटर है, तो वो जैसे इंडिया में खिलाते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे यहाँ पे खिलाएंगे। और कितने सारे टाइप के पानी है, कौन कौन से है, मैं आई गेस जब मेरी बारी आएगी तब बताती हूँ, अभी लाइन में लगना है। हाँ, तो ये आंटी जो अभी खिलाने वाली हमें, तो बताइए कौन कौन से पानी है। पुदीना है। हाँ। ये जलजीरा। हाँ। खट्टा मीठा हींग मैंगो जिंजर गार्लिक। और ये रगड़ा है। हाँ। चिक पीस है और ये पोटेटो है। ठीक है। और इतना अच्छा है कि वीडियो बनाने से पहले मेरे मुंह के अंदर जा रहा है, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। एंड द बेस्ट पार्ट कि गोलगप्पे के साथ वो फोकट में लास्ट में थोड़ा पानी भी मिला, तो बहुत सही था। कौन सा वाला बेस्ट था? मैं आपके नाक साफ कर लूं? नो, दिल्ली वाला जो फ्लेवर है वो मस्त आया। और हाँ, बोले में थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि हमने बहुत सारे गोलगप्पे टपा लिया है। कौन सा बेस्ट लगा शेंकी? मेरा पानी पूरी। मेरे को जलजीरा बहुत अच्छा लगा, मुझे पुदीना बहुत अच्छा, मुझे खट्टा मीठा बहुत अच्छा। और इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई मुझे, तो ये फिरंग लोग कैसे खाते हैं?
फिर हम लोग खाते हैं उनके लिए अपने पास मैंगो है और जलजीरा है. अच्छा. विच इज वेरी माइल्ड जस्ट मेड फॉर देम. और हमें तो हमें मतलब मेरे को तो मिर्ची चाहिए. तो हम मिर्ची के लिए भी दूसरा पानी आपने ट्राई किया, वो गार्लिक पानी है. हाँ, वो काफी सही है, वो काफी सही है. गार्लिक पानी इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेशली फॉर द पीपल हु ईट द स्पाइसी पानी. और कब से है ये? दिस वी स्टार्टेड 5 इयर्स बिफोर ड्यूरिंग द गणेश चतुर्थी. हां, नाउ इट्स 5 इयर्स इन सितंबर इट विल बी 6th ईयर. और इट इज वाज वेरी टेस्टी. मतलब मुझे ना सिर्फ दिल्ली में खाते हैं ना जैसे सड़क पे वो वाला फील आया. पीपल कम फ्रॉम मिशिगन, पीपल कम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, ही केम फ्रॉम सिएटल. दैट्स व्हाट पीपल जस्ट केम वेस्ट कोस्ट स्पेशली फॉर द पानी पूरी. तो अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ जाना है. और ऑप्शंस हैं छोले भटूरे, पाव भाजी. मैं नाक में उंगली नहीं डाल रहा था, जा रहा था, किसी को लग रहा है. छोले भटूरे, पाव भाजी और क्या था? नूडल्स, वड़ा पाव. क्या खाना है सबसे पहले? छोले भटूरे खाएंगे. हाँ, और नूडल्स नूडल्स खा लेंगे. ठीक है. हाँ, तो पहले नूडल्स पाड़ते हैं. पहले नूडल्स कर लेते हैं. ठीक है. और दिल्ली वाले का स्वाद आएगा नहीं आएगा वो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे. और प्रशांत की वाइफ कैसी लग रही है आपको? बताया था हमने पिछले कट में. मस्त है ये शैंकी. जब हम बात करते हैं हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया था. शैंकी को फिर से लगा कि ऋतु को ऐसी बोलती है कि नहीं. ऑब्वियसली मेरे को पहले हाय करा. मैं अब हर किसी को हाय तो कर नहीं सकता. हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Nice. अभी मुझे बात करते करते दो लोग मिले और वो प्रशांत के बहुत बड़े फैन हैं. नहीं नहीं, वो तो अभी नॉट जोड़ी होती है. देख, दो हाथ रहते हैं, बिना दोनों हाथ काम नहीं होता है. वही. सो नॉट प्रशांत, दोनों हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिले और शेंकी को उन्होंने मैसिवली इग्नोर कर दिया. बट हम शेंकी को पार्टी तो दे रहे हैं ना. अभी हम जा रहे हैं मिठास फॉर चाइनीज और मिठास में चाइनीज काफी सही लगता है. तो हम वहाँ से सिर्फ नूडल्स खाएंगे ना. अभी चुके हैं नूडल्स और मंचूरियन. हमें नूडल्स पे शेंगी को कोई फर्क नहीं पड़ा. मैं तो टूट गया. इससे बढ़िया तो हमारा सिएटल था, लंदन था. वहाँ अकेले घूमता था मैं. इक्का दुक्का लोग पहचान लेते थे. ऑनलाइन वेबसाइट थी स्ट्रेंजर से टॉक करने वाली, वहाँ इक्का दुक्का ने पहचान लिया था. यहाँ तो हालत बुरी हो गई है क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज द स्प्री. आज हमें अभी फिर से यहाँ पे दो लोगों ने पहचान लिया. सुधागु स्कूल और शेंकी का पानी पानी. ऋतु को बहुत दिन से घर के आसपास कोई मिल नहीं रहा था तो ऋतु शेंकी को दिखाने के लिए यहाँ ले आई है. ये तो खाना वाना खिलाना तो बहाना है बस. ये पार्टी में शेंकी को देना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरी लास्ट अपीयरेंस, वन ऑफ द लास्ट अपीयरेंस है. शेंकी सिएटल से बाहर निकले. शेंकी बोल रहा है कि ठीक है, ओके. बट बाकी नूडल्स कैसे हैं? नूडल्स अच्छे ना, एकदम वो इंडिया वाली चाउमीन वाला फ्लेवर होता है. तो यहाँ पे आई थिंक इंडो चाइनीज वाला तो बेस्ट मिलता है. बाकी चीज़ों के लिए आप बाहर ट्राई करो. इंडो चाइनीज इनका काफ़ी अच्छा होता है. अभी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने. थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, थोड़े स्नैक्स लेने हैं. हम जाने वाले अपना बाजार और शैंकीज़ योर. तो पार्टी तो हो रही है तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है तो वो लेते हैं. पता है जब इंडिया की याद आती है तो ये जो देसी स्नैक्स हैं इन्हें देख के ना एकदम मन खुश हो जाता है. और गुजराती स्नैक्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं. और अभी हम ट्राई करने वाले हैं गरवी गुजरात से कुछ नया. और इसका जो फ्लेवर है मैंने ट्राई कर रखा है. जैसे इंडिया में वो जो गुजराती शॉप्स नहीं होती जो फरसान बेचते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है. तो आज हम ट्राई करेंगे, आई गेस हम लोग लेंगे ये चकरी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. और हम लेंगे ये फराली चिवड़ा. तो एक खट्टा मीठा दोनों टेस्ट हो जाएंगे. एंड जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा आइल भरा पड़ा है तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. बट आई गेस सभी के लिए ये दो लेते हैं. शेंगी जाने से पहले थोड़ी रेसिपी हमसे सीख के जाने वाला है. तो उसमें से धनिया पुदीना की रेसिपी है, धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी जो शेंगी सिएटल में जाएगा. नहीं, सिखाऊंगी मैं और खाएगा कोई और. एक और चीज़ हम ले रहे हैं मैगी. मैगी बनाना सीख आता है आपको या मैं सिखाऊं? मैगी बनाना आता है आपको या मैं सिखाऊं? बनाना आता है, मैं कुछ सीखना हो तो बता देना. और मुझे घी भी लेना है. तो अब की बार हम लोग लक्ष्मी का घी ले रहे हैं और इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है. और मैंने पहले भी आई गेस इसके एक दो प्रोडक्ट्स ट्राई कर रखे हैं तो ये लेते हैं. और लक्ष्मी का नाम ऑफकोर्स आपने मेरे मुँह से सुना होगा सो ये लेते हैं. एक और चीज़ ले रहे हैं हम लोग, अम्मास किचन के बनाना चिप्स. देखने में काफ़ी सही लग रहे हैं तो ये लेते हैं. और थोड़ा हेल्दी खाने के लिए आजकल हम गाजर खा रहे हैं सलाद में तो गाजर लेते हैं. और चीज़ हम लोग ले रहे हैं ये है माजा ड्रिंक. और यहाँ गर्मियाँ हो गई हैं तो ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा और नॉस्टैल्जिया भी है ये फ्लेवर के साथ तो ये लेते हैं. और हमने फाइनली अपनी जो कार्ट है वो भर ली है भर भर के. और हमने लास्ट में क्या लिया? दूध और पनीर. पनीर चलो, हम आए थे बहुत कम सामान लेने लेकिन हमने एज ऑलवेज भर लिया सामान. हम लोग जा रहे हैं इस स्टोर के अंदर जिस स्टोर के अंदर हम बहुत बार जाते हैं बीकानेर वाला. और इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग क्योंकि इसके छोले वगैरह बेस्ट लगते हैं हमको. ठीक है, ओके, कूल. लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? मेरा तो कोई वही नहीं मिल रहा. शेंकी सिर्फ हमें देखेगा आज खाते हुए लगता है. और ये थे भटूरे जो हम खा गए और मतलब वीडियो बनाना भूल गए. और ये है रसमलाई
एक्चुअली हुआ ऐसा, छोले भटूरे आए, आते ही सब टूट पड़े और कंट्रोल जब तक ये तो याद है कि वीडियो भी बनाना है, तब तक छोले भटूरे खत्म हो चुके हैं। क्योंकि दोनों जोशी ब्रदर्स यहाँ तो कंपटीशन में खाना पड़ता है, अदरवाइज बचता नहीं है खाना। तो हम लोग मैं रहा हूँ हॉस्टल में, और हॉस्टल में अगर तुम तमीज दिखाते थे खाने के समय तो फिर खाना नहीं मिलता था। तो बट ठीक है, बट शेंगी दिल्ली वाला फ्लेवर आया। और मैं कुछ दिनों रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो वैसे खाना नहीं मिलता था। ये है ऑनेस्टली पाव भाजी, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है जर्सी सिटी में, और इसके अंदर बहुत सारा बटर होता है, ऑफकोर्स कैलोरीज हैं बहुत सारी, बट क्योंकि हम तीन हैं तो तीन में डिवाइड होकर ठीक रहेगा। बट या ये काफ़ी अमोती, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, अगर आप यहाँ आओ तो आप भी ट्राई कर सकते हो। हम पहुँच चुके हैं लास्ट डेस्टिनेशन पे, दिस इज़ पराठा जंक्शन, और अब भी हम लोग खा रहे यहाँ से जलेबी। खा के थके नहीं क्या हम लोग? इसी के साथ हमारा जर्सी का खाने का ट्रिप खत्म हो गया। और आपको मजा आया सियाटल की? याद तो नहीं आएगी आपको? बिल्कुल भी याद नहीं, सब्सक्राइबर्स ने याद दिलाने नहीं दी सियाटल की, इतने सब्सक्राइबर घेर लिया मेरे को तो भाई शाही के स्वयंवर लग रहा है, यही सब्सक्राइबर्स के बीच में होने वाला है। चलो ठीक है, घर जाके मिलते हैं। तो बहुत सही टाइम पे वापस आए हैं, आई डोंट नो इसमें कितना दिख रहा है एंड आवाज कितनी आ रही है, बट बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा विंडी है। थैंकफुली हमारे घर आने के बाद ऐसा मौसम हुआ, अदरवाइज बैंड बज जाती, बट हाँ ठीक है। ऐसे यहाँ पे ना इतनी तेज बारिश होती नहीं है, बट आज बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है अभी। एंड वी आर बैक होम, और अभी चल रही है जलेबी पार्टी, और वापस आके हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी गॉसिप की, और जलेबी देख के पता है मेरा मन करता है समोसे खाने का। मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में आती थी, जलेबी और समोसे। और जलेबी और समोसे का क्या कॉम्बिनेशन हुआ? एक ही तो दुकान थी वहाँ पे, वहीं से तो बीकानेर वाला। तो हाँ हम सब एक ही दुकान से खाते थे, वही बीकानेर वाला से आता था हमारा जलेबी समोसे, और आप लोग मैंने सुना पेस्ट्री खाते थे। हाँ पता नहीं, मैं तो जलेबी भाई के साथ घूमता था जब लोग जलेबी खाते थे। और खत्म होता है, आई एम होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। अभी शेंकी के जाने का टाइम बिल्कुल ही ऑलमोस्ट आ गया है, तो हमें लगा एक पार्टी तो बनती है, और हम सोच रहे थे कुछ ऐसे खिला पिला के लेके आए, और वहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज़ टेक केयर, टाटा।